This is NDTV. And you are watching NDTV Prime. Hello and welcome to the Realty Debate. Delhi is slowly becoming unlivable. Delhi citizens are jostling for space, their share of infrastructure and civic services. For the last 2 years, Delhi Development Authority, DDA, the master planner of Delhi, has been waving the land pooling policy under our noses as the one pill that will solve all of Delhi's problem. Well, 2 years is a long time for an ailing city to wait for life support. Now, finally, the deadlock between DDA and the Delhi government has been resolved and 89 villages have been notified, thus making DDA the agency responsible for their development. Under the land pooling policy, 62,000 acres of land will be unlocked to be pooled by the owners. This policy will cover K1, L, P1 and P2 zones in Delhi. Once DDA is handed over land for development, it aims to build 24 lakh housing units on it. But is land pooling the answer to all our problems? Is DDA even equipped to cope with this mammoth task in front of it? To discuss this, I have some guests with me. I have Mr. Vijendra Gupta, he's MLA, Delhi BJP. Also with me is Amit Dabas, he's a land owner who's looking to work with the land pooling policy. I have with me Ramesh Menon, Director, Certis Realty Limited and land expert. Welcome, gentlemen. First, Amit, I would like to begin with you. Yeah. Because land pooling is something which is going to affect you the most. आप सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं वो हम जानना चाहते हैं क्योंकि लैंड पूलिंग अब आपके लिए लागू होने के कगार पर है क्या आपको लग रहा है इससे आपको फायदा होगा और ये इंतजार जो आपने किया वो कितना मुश्किल रहा मैम ये तो आई श्योर दैट फायदा तो होगा पर जो सफर किया है हमने लगभग 2 साल हो गए इस पॉलिसी में लगे हुए बट वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट एट फर्स्ट 2007 जब पॉलिसी पास हुई उसके बाद डीडीए ने इसको फिल्टर करने में 5 साल का टाइम स्पेंड कर दिया और 2013 में इस पॉलिसी को नोटिफिकेशन किया उसके बाद ये फाइल दिल्ली सरकार के पास गई दिल्ली सरकार ने भी इस पे 2 साल का टाइम स्पेंड कर दिया और इसमें हमने सफ़र ये करा है मैम जो दिल्ली देहात को एज ए फार्मर को जो फ़ायदे होने वाले थे उनसे वंचित रखा गया ये इट्स दैट मे बी हो सकता है पॉलिटिकल मैटर हो और दूसरा इस 2 साल के अंदर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हमने जंतर मंतर पे एक छोटा सा आंदोलन भी किया हमने गांव वाइज जोन वाइज हमने मीटिंग भी रखी उसके बाद पहले तो ये कहा जाता था कि पहले तो यही नहीं पता था फाइल कहाँ है हमने इस फाइल को एक बार आरटीआई के थ्रू मैंने आरटीआई लगाई सबसे पहले तो जो समस्या थी उसको सॉल्व आउट किया कि फाइल कहाँ है आरटीआई के थ्रू फाइल का पता लगा कि फाइल है दिल्ली सरकार के पास और वो उन्होंने अर्बनाइज करना था उसके बाद डेवलपमेंट एरिया घोषित होगा फिर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले लंबा चौड़ा ये पूरा प्रोसेस है हाँ। और इस पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस में आप फंसे रहे हैं सो बिल्कुल इट्स क्वाइट क्लियर दैट इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड पीपल हैव बीन fighting against the system trying to get this policy to move ahead. We also have Vijendra Gupta with us. Mr. Gupta, you have been instrumental in trying to push this policy forward and you are well versed with this policy. So, you know, one thing that I fail to understand is why the Aam Aadmi government in Delhi had so much of hesitation as far as this policy was concerned. What was their major concern and do you think it was relevant? दिस इज़ नॉट रेलेवेंट एट ऑल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक सबको घर मिलेंगे और अंजलि ये जो प्रोजेक्ट है लैंड पूलिंग पॉलिसी का ये एक तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है क्योंकि दिल्ली में इस प्रोजेक्ट के थ्रू लैंड पूलिंग के थ्रू 5 लाख जो हाउस होल्ड हैं वो EWS होंगे यानी कि ड्वेलिंग यूनिट जो हैं EWS ड्वेलिंग यूनिट्स बनेंगी और लगभग 10 से 12 लाख जो है वो जनरल कैटेगरी के फ्लैट्स बनेंगे ये एट रैंडम जिसको कहा जा सकता है कि दिल्ली में डेवलपमेंट होगा रेजिडेंशियल एरिया का इसमें इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 साल तक अपने पास रोके रखा और मेरे पास वो तमाम लेटर्स हैं डीडीए ने जो
इन दो सालों में DDA ने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखे हैं 2 दर्जन लेटर और एक भी लेटर को दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज तक नहीं किया, यानी कि एक्नॉलेजमेंट भी उनके पास नहीं भेजा गया। बट व्हाट वर देयर कंसर्न्स? हमें नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट इस तरह का, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में BJP की सरकार है, और अगर दिल्ली में घर बनेंगे तो उसका क्रेडिट BJP को मिलेगा, इसलिए एक हर्डल विलेनियस। मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कोई विलेन करता है। उन्होंने, उनका इस पॉलिसी से कोई कंसर्न एज सच नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो एक रूटीन इश्यूज थे, 3 इश्यूज थे। पहला इशू तो था कि जो 89 रूरल विलेजेस हैं उनको अर्बनाइज, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की अथॉरिटी है और उन्होंने उसको वहाँ से पास करके, अप्रूव करके प्रपोजल को दिल्ली गवर्नमेंट के पास भेजा था नोटिफिकेशन के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट को उसका नोटिफिकेशन करना था, लेकिन मिनिस्टर ने फाइल को नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने फाइल को दबा दिया। और दूसरा इसमें होगा 95 विलेजेस को डेवलपमेंट एरिया जो है वो नोटिफाई होगा, और तीसरा ऑथेंटिकेशन का काम है, जो खसरे हैं गांवों के जी, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड से ऑथेंटिकेट किया जाएगा जी। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि अल्टीमेट लास्ट में क्या हुआ। जब अथॉरिटी की मीटिंग में हमने ये इशू रेज किया और DDA एक्ट के सेक्शन 12 का हवाला दिया, और हमने कहा कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है या दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन मैलाफाइड है, वो नहीं चाहते दिल्ली में घर बने, वो नहीं चाहते दिल्ली के किसानों को उनकी ज़मीनों की पूरी कीमत मिले, वो नहीं चाहते कि दिल्ली का किसान घर बनाने में उसका कोई सहयोग हो जी, गुप्ता साहब, तो आप इसको बाईपास करिए दिल्ली गवर्नमेंट को। चलिए गुप्ता साहब, इसमें आप जो कह रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। रमेश, यू नो आई रियली नीड अ क्लैरिटी एज टू व्हाट वाज द प्रॉब्लम, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट सीम्स टू हैव बीन अंडर द इम्प्रेशन दैट इफ द लैंड इज पूल्ड, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी लैंड टू डू एनी डेवलपमेंटल वर्क, इज दैट ट्रू? नो, Let me place it on record that the Delhi government did not take action. I'm not venturing into the political side of it, or did not get into the details of this policy more because of their ignorance about the urbanization norms. Let's be very clear, the urbanization norms across the globe, more or less, you know, a couple of percentages here and there are very similar. So let's look at what the Delhi government was asking for. They were asking for 10% of the total developed land mass so that they can provide services. So let's look at it dispassionately. The Delhi government got almost 5,000 to 6,000 acres Gram Sabha land, which was transferred to the revenue department. Secondly, Delhi Health Services will develop the hospitals. So after the development of the sector plans, whatever the land ascribed for hospitals will go to Delhi Health Services, likewise for schools and other social infra. So in my wisdom of having worked on master plans across many states, I can conclusively say that the demand of the Delhi government was misplaced or which was being used as a bargaining tool. They will get access to 10% of the land. Okay, so they are getting it, but they were probably not well informed. Anyway, Amit, you have been going to DDA again and again because you were very interested in this policy and it was going to benefit you. आपने बताया था किसी सेल में जाते थे आप DDA के, तो क्या है ये सेल और वहाँ आपको क्या देखने को मिलता था, क्या काम हो रहा है वहाँ पे? नहीं मैम, अब भी वह क्या है, लैंड पुलिंग सेल में जब उनसे बात करते हैं तो वो अब भी ये कहते हैं कि हमें, जब अब तो अर्बनाइज एरिया तो डिक्लेयर हो गया है, इसके बाद डेवलपमेंट एरिया होना है, अगर डेवलपमेंट एरिया नेक्स्ट 7 to 10 days में हो जाता है, आफ्टर दैट दे विल टाइम 4 months टू ओपन ए विंडो। अच्छा, हाँ, इस 4 महीने में वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और उसको कुछ 3 या 4 वो कंसल्टेंट है जो उनको अपॉइंट करने हैं, जो अभी तक वो वेटिंग लिस्ट में रखे हुए थे कि पॉलिसी एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो करेंगे। और आफ्टर दैट दे आर सेइंग
आफ्टर दैट विच है उसके टाइमलाइन दे रहे हैं वो आपको कि कब तक आप अपना लैंड लेके आ सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे विल ओपन द विंडो आफ्टर दैट वी लैंड हम उनको देंगे. आफ्टर दैट 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ दे विल बैक प्लॉट. Okay, they will back plot us. After that we build up the plots. But इसमें मैम अभी तक मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हुआ वो भी ठीक है, 2 साल का टाइम लगा, 7 साल स्पेंड हो गए, कोई बात नहीं. अगर अब भी DDA इस काम को, हमारा जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो ये है कि अब भी इस टाइम को रिकवर किया जा सकता है. अगर बात जब DDA के हैंड पे आ जाएगी, अगर DDA चाहता है तो वो सारा टाइम रिकवर करके वो हमें प्लॉट दे, और उसके साथ ही जो उन्होंने डेवलपमेंट ज़मीन करके देनी है, जो कि DDA ने डेवलप करके देनी, वो भी हमें साथ में डेवलप करके दे, तब हमें प्लॉट अलॉट करे, ताकि साथ ही दोनों जो टाइम है एक ही टाइम में दोनों काम हो, उसके प्लॉट भी डेवलप हो उसके, और जो रो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रोड्स वगैरह हैं, रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बेस मैम दिल्ली देहात की मेन बेसिक समस्या क्या है, वो जो कि जिसके लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी मस्ट है. जब तक हम लैंड पुलिंग पॉलिसी की बात करते हैं, हर आदमी सोचता है कि ये सिर्फ फ्लैट बनने हैं इसमें. हाँ. ऐसा फ्लैट तो बनने ही है, उसके बाद एक अलग सी चीज़ और है जिसके जो दिल्ली देहात को डायरेक्टली फ़ायदा करेगी, और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी उस चीज़ की है इसमें. जैसे हॉस्पिटल में बेसिक नीड्स हैं, जो मूल सुविधाएं होती हैं, वो मूल सुविधाएं, हाँ बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, वो हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, ITI है लोगों के लिए. तो अमित, आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम शहरों में देखते हैं वो दिल्ली देहात में भी लोगों को मिले. मिस्टर गुप्ता, इफ वी टॉक अबाउट DDA, नाउ DDA इवन इफ इट टेक्स ऑल दिस लैंड एंड इफ इट इवन प्लान्स टू इनिशिएट दिस एंटायर प्रोसेस, डू यू थिंक DDA इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस? डू यू थिंक दे आर इक्विप्ड इनफ टू डू दिस? डेफिनेटली डेफिनेटली DDA जो है पूरी तरह तैयार है. मैं आपको बताऊँ अंजलि, इसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसलिए DDA को वेल इक्विप्ड होने की ज़रूरत है. हमारा कहना है कि लोगों को एक विंडो से दूसरी विंडो पर ना जाना पड़े, सिंगल विंडो सर्विस होनी चाहिए. फायर सर्विस का कोई क्लियरेंस है या दिल्ली गवर्नमेंट का कोई क्लियरेंस है, म्यूनसिपैलिटी का कोई क्लियरेंस है, अब बिल्डिंग प्लान है, अब बिल्डिंग प्लान भी उसी विंडो से सेंक्शन होना चाहिए. तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकें. आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको ऑनलाइन सैंक्शन हो गया, आपने ऑनलाइन फायर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, आपको फायर सर्टिफिकेशन. आई एग्री देयर शुड बी अ सॉफ्टवेयर, बट व्हाई हैजंट इट बीन डेवलप्ड एज येट? इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस DDA हैज बीन टॉकिंग अबाउट लैंड पूलिंग पॉलिसी, शुडंट अ फ्रेमवर्क हैव बीन सेट अप बाय नाउ? इसमें जोन अभी क्या है कि अभी पहले लैंड बैंक बनेगा, पहले तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन होगा डेवलपमेंट एरिया का, ऑथेंटिकेशन हो रहा है विलेजेस का, जो अर्बन विलेजेस हैं उनकी लैंड का. अभी तक लगभग 5 विलेजेस का ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस रोक दिया था. अब चूंकि एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया और डायरेक्ट डिसीजन लेने शुरू कर दिए, तो उसके बाद ये सब काम शुरू हुआ है. 95 विलेजेस जो हैं उनकी ऑथेंटिकेशन होगा खसरों का, क्योंकि जब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से DDA मिलाएगा नहीं, तब तक के डिस्क्रिपेंसीज दूर नहीं होगी. उसमें कुछ समय लगेगा जी. उसके बाद लोग क्योंकि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 20 हेक्टेयर से कम, एक ग्रुप ये होगा और एक ग्रुप होगा जो स्मॉल टाउनशिप कह सकते हो आप, 20 हेक्टेयर से ज़्यादा जगह जो लोग लेकर के आएंगे जी. तो ये जब लोग ऑफर करेंगे, रजिस्टर कराएंगे अपने आप को, तो उसके बाद इसका लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव होगा. गुप्ता साहब, पूरा क्या क्या होना है पॉलिसी के तहत वो तो हम सब समझते हैं, लेकिन हमारा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या DDA तैयार है कि नहीं. आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू इन हियर रमेश, यू आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. जी जी, मैं एक बार रमेश से भी यहाँ पूछना चाहूंगी कि रमेश, यू कीप डीलिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एज फार एज दिस पॉलिसी इज कंसर्न, डू यू थिंक DDA इज रेडी? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट DDA, इट्स एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड अर्लियर इन आर शोज वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ DDA हैज बीन टोटली इनइफेक्टिव इन ऑल इट्स मैंडेट्स एंड ऑल इट्स मिशंस. नाउ इट्स टेकन ऑन दिस टास्क व्हिच आई फील दे हैव बिटन टू मच, इट्स टू मच, दे वोंट बी एबल टू च्यू इट.
No, let's look at the facts as they stand. DDA is the authority to develop Delhi. Having said that, and look at Delhi. Yeah. Though they do not have the bandwidth to execute something of this size and magnitude. You see, it's almost Delhi is 1483 square kilometers. The current extent is 750, which would mean that a Delhi which took almost 70 years to develop, the DDA has to undertake or execute it in the next two decades, which with their manpower, their intellectual abilities, their financial strengths, etc., is not possible. Now, if DDA has to execute this, then there is no other way but to integrate it with best practices which are available either in our country where other states have successfully done this. Do we have an example to follow with other states? So the most recent example is Amravati, the capital of Andhra Pradesh. You know, it's a new state which was born about 3 to 4 years back. They conclusively talk about having undertaken a 35,000-acre land pooling exercise. So I'm sure they have. But outside real estate, whether you look at the GST implementation or any such implementation, which the scale and magnitude is large, unless you create independent entity to create the IT infrastructure, to integrate or become the integrator of multiplicity of authorities. You know, revenue department is a state subject, DDA reports to the center, the notifications come from the LG's office, etc., etc. Now, I heard Mr. Gupta say 5 of the 89 villages have been, the physical verification or matching the data of DDA and revenue department has been concluded. By this pace, it would take at least another 2 more years for these two agencies to conclude that. And in the process, see, somewhere the DDA or revenue has to draw a line, say, from today onwards, there cannot be a change of ownership till this exercise is completed. You cannot keep working on a dynamic data. That's true. So all those things happen, then only it's a good story to follow up. But let me take this opportunity to have a word with Mr. Gupta and say that there is a lot of expertise vested in the private sector which is available to the government agencies pro bono or otherwise. Please recruit this expertise available globally. I think they'll like the pro bono word. Mr. Gupta, DDA is, right now if you go to a DDA office, the DDA office, I think even the lifts haven't been upgraded for years now. Do you think they are technologically capable of handling this? Because you need to have the software that you're talking about. It should have been at least at trial stage by now. And we are still talking about making that software. नहीं अभी जो बात मैंने ऑथेंटिकेशन की है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑथेंटिकेट करके देना है दिल्ली गवर्नमेंट के क्योंकि प्रोसेस उन्होंने ऑन नहीं किया था पहले उसको होल्ड पे डाल दिया था इसलिए ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया हो भी नहीं सकता था क्योंकि जब दिल्ली गवर्नमेंट कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरे प्रोसेस को ही रोक दिया था फाइल्स दबा ली थी तो ऑथेंटिकेशन की फाइल भी जो थी उसको भी दबा लिया गया था अभी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट को करना है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए जो डीडीए को करना है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए और देखिए अगर हम इसको हैफेजर्ड मैनर में करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा दिल्ली का डेवलपमेंट होना है दिल्ली में जितने घर आज हैं लगभग आप अगर समझेंगे तो 70% दिल्ली जो है वो नहीं बनेगी सो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर एवरीवन एनीवे Mr. Gupta, it seems that Amit here, because he's one of the landowners and could be a potential beneficiary, he has a question for you. Amit. Gupta ji, आप ये बताइए, आप DDA के member भी हैं, आप also MLA भी हैं, तो अभी कितना time लगेगा DDA को हमें plot allot करने में? ताकि विंडो ओपन होने के बाद एक कंडीशन है पॉलिसी में कि 60% जब तक ज़मीन जमा नहीं होगी जब तक आप सेक्टर प्लान तैयार नहीं करेंगे तो 60% ज़मीन जमा होने के बाद DDA अब कितना टाइम लगाएगी हमें प्लॉट अलॉट करने में और जो रॉ डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो DDA ने करके देनी है वो कितने टाइम में करेगी DDA देखिए इसमें बड़ा साफ है कि दो तीन लेयर हैं इसके पहली लेयर तो ये है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग DDA का पूरा सेटअप तैयार हो जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बहुत बड़ा है
जिस दिन डीडीए विंडो ओपन करेगी उसके बाद लोग जैसे अभी अब लोग डेफिनेटली अपनी लैंड को कंसोलिडेट करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि पूरी पॉलिसी तो फ्रेम हो चुकी है, पूरा लैंड पुलिंग पॉलिसी का एक अथॉरिटी मीटिंग में सब कुछ क्लियर हो चुका है। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम इस कितना टाइम लगेगा इसमें 5 महीने। हाँ, इसमें क्योंकि ये टू वे है, वन वे नहीं है, इसमें पब्लिक घर तो लोगों ने ही बनाने हैं, ये तो प्राइवेट प्लेयर्स का ही काम है, जो जो लैंड ऑनर है घर उसको ही बनाने हैं, घर डीडीए को नहीं बनाने, आप समझ लीजिए। लेकिन आप कोई एक घर भी बनाते हैं अगर अपना, तो आप ड्राइंग क्लियर कराते हैं, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मुझे लगता है कि 4-5-6 महीने में, 5-6 महीने इसमें जरूर लगेंगे। चलिए हमें जरूर लगेंगे। यहाँ अभी एक कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन गुप्ता साहब ये तो मान के चलना ही पड़ेगा कि अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं हमें जैसे कई लोग। एनीवे, इट वाज रियली नाइस ऑफ ऑल ऑफ यू टू टेक आउट टाइम एंड जॉइन अस इन दिस डिबेट, बट ऑल दिल्ली सिटीजंस आर वेटिंग फॉर दिस लैंड पूलिंग पॉलिसी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बेनिफिट द रूरल दिल्ली, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट ऑल द सिटीजंस इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। सो वी आर होपिंग दैट डीडीए विल नॉट fall short on our expectations. It's time for a short break now, but you keep watching NDTV.